नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। पुलिस आयुक्तालय जयपुर क्राइम ब्रांच की सीएसटी टीम तथा पुलिस थाना रामनगरिया ने ड्रग्स माफियाओं के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करते हुए खड़ी फसल के 160 हरे पौधे सहित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस आयुक्त जयपुर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत जयपुर शहर में नशीले एवं मादक पदार्थों की सप्लाई एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध सीएसटी टीम तथा पुलिस थाना रामनगरिया की संयुक्त कार्रवाई के दौरान प्राप्त सूचना पर आरोपी मेघराज यादव पुत्र जोड़मल यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध गांजे के 160 हरे पौधे बरामद कर जब्त किए गए। जानकारी के अनुसार ग्राम चक सालक ग्रामपुरा उर्फ डेहला मुरलीपुरा तहसील सांगानेर में कजोड़मल यादव के गेहूं के खेत में गांजे के पेड़ उगाकर खेती करता था तथा पौधों की जड़ सहित लगी मिट्टी का कुल वजन 2 किलो 222 ग्राम बताया जा रहा है। आरोपी से पूछताछ जारी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एनबीसी न्यूज 24।